नमस्कार, हम पहुंचे हैं स्टेट हाईवे हरियाणा पंजाब कैथल से पटियाला मार्ग पर, जहां घग्गर पुल के ऊपर हम मौजूद हैं। यहां प्रशासन ने एहतियातन जो है बैरिकेड्स लगा करके इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हरियाणा और पंजाब की एंट्री का यह मुख्य मार्ग है इस क्षेत्र में, लेकिन घग्गर पुल के ऊपर सीमेंट के लोहे के बैरिकेड्स और कंटेनर में मिट्टी लाई गई है। उन कंटेनरों को देखिए आप, 3 कंटेनर जो है यहाँ पर रखे हैं, ये कंटेनरों में मिट्टी भर करके इस पूरे मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। केवल पैदल यात्री यहाँ से निकल सकते हैं। आपको बता दें कि नया गांव जो पंजाब में है, वहाँ से ऑटो में जो यात्री यहाँ तक आते हैं, क्योंकि बसें आगे नहीं आ रही, वहाँ से ऑटो में यहाँ तक आते हैं, यहाँ से पैदल इस पुल को क्रॉस करते हैं और फिर इस पुल के आगे ऑटो में जाकर के चीका तक पहुँचते हैं। तो यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी भारी परेशानी का कारण ये बन गया है किसान आंदोलन। जो किसान आंदोलन 13 तारीख से आहूत है, उससे पहले इस मार्ग को पूरी तरह से प्रशासन ने बंद कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा पंजाब का बॉर्डर कैथल जिले में है, वहाँ पर 15 नाकों पर प्रशासन ने एहतियातन जो है रोक लगाई है, और 2 मुख्य मार्ग हैं, कैथल से पटियाला और कैथल से खनौरी, दोनों ही मुख्य मार्गों पर प्रशासन ने जो है एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कैथल की ADC जो है आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने पूरी तरह से तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों से तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनकी जानकारी हासिल की है। और इसके अलावा भी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। और आपको बता दें कि 13 फरवरी को किसानों ने जो है आंदोलन आहूत किया है, उससे पहले ही आज सुबह 6 बजे से सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, इंटरनेट सेवाएँ बाधित हैं और लोगों को जो है आवाजाही में बड़ी भारी परेशानी आ रही है। जो चीका में जो उधम सिंह चौक है, वहीं पर जो है ITBP के जवानों द्वारा नाका लगाया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, वाहनों को वहां से एंट्री बैन है। कुछ एक वाहन मीडिया के वाहन है या सुरक्षा कर्मचारियों के या प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन है, उनको ही इस घग्गर पुल तक आने की अनुमति है। इसके अलावा कुछ ऑटो लगे हुए हैं जो घग्गर पुल से चीका तक जा रहे हैं और इधर से घग्गर पुल से नया गांव तक जा रहे हैं। जो आगे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके कारण जो है कुछ बड़ी गाड़ियां यहां पंजाब की तरफ से आ रही थी, वो फंस गई हैं। हम चालक हैं, जो उनसे बात करेंगे कि क्या परेशानी है, फंस गई। क्या नाम, क्या आपका नाम? तो अजय भाई साहब। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना था? मैं जम्मू से आ रहा हूँ भाई साहब, खाली करके। कहाँ जाना आप? मेरे को दिल्ली जाना है भाई जी। दिल्ली जाना है? हाँ, दिल्ली जाना भाई जी। क्या परेशानी आ रही है? क्या परेशानी तो ये है भाई साहब, इनको कम से कम ड्राइवरों के लिए तो कुछ रास्ता छोड़ना चाहिए, हैं? ये तो अगर इधर कल को इधर आग लग गई, आग लगा दी गाड़ी में, तो कौन जिम्मेवार होएगा भाई? प्रशासन को कम से कम ये तो सोचना चाहिए। ये कानून है, कानून ठोप दिया, किसानों पर ठोप दिया पहले, अब ये ड्राइवरों पर ठोप दिया। मार तो इसमें किसानों की, ड्राइवरों की, दोनों की है। तो आप कितनी देर से फंसे हो यहाँ पे? मैं तो कम से कम कल रात का इधर ही हूँ। रात से फंसे हो? रात से फंसा हूँ भाई साहब। ना यहाँ कुछ खाने पीने का है? खाने पीने का क्या है, इधर कुछ भी नहीं, इधर जान बचाने की हो रही है, बताओ। अच्छा, तो आपने किसी प्रशासन अधिकारी से बात की, मेरी गाड़ी निकलवा दो? की है उधर बात की, प्रशासन से आते ही बात की थी, मैं कुछ गाड़ी निकलने का हो। नहीं भाई, इधर 16 तक रुको नहीं गई इधर ही। हाँ, 16 तक कोई समाधान नहीं है, इधर ही रुको। माँ जी, गड्डी गुड्डी निकालने का कोई रास्ता हो बड़ी? तो आसपास के गांव से निकाल के ले जा सकते? आसपास के गांव से भाई साहब गाड़ी इतनी बड़ी है कि निकाल नहीं सकता मैं। अच्छा। कहीं पे नुकसान की भी आशंका है? नुकसान की भी आशंका? हाँ भाई साहब, पूरी पूरी। कहीं पे तार टूट गई, कोई खंभा गिर गया, तो कौन जिम्मेवार होएगा उसका? आपका नाम बताओ। हकीम सिंह जी। ऑटो चलाते हैं? खमेड़ा, हरियाणा। हरियाणा, चार ऑटो है जो नमे गांव की चल रही है। हम कैथल से आए। कैथल से? तो कहाँ से कितनी बसें बदलनी पड़ रही हैं इस जाम के कारण, जो ये सरकार ये बैरिकेड्स लगाए हैं, क्या परेशानी है? यहाँ से पहले चीका से सुमाना की सीधी बस मिल जाती थी, अब चीका से पहले यहाँ बॉर्डर तक ऑटो में आना पड़ता है, ऑटो से फिर यहाँ से फिर आगे के लिए फिर एक ऑटो चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे से बस मिलेगी हमें। तो इसमें किराया भी एक्स्ट्रा लग रहा है? किराया तो एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 रुपये वहाँ तक ले रहे हैं, इसके बाद आगे और ज़्यादा लेंगे। और टाइम भी खराब होता? टाइम तो ज़्यादा खराब होता है जी, और पहले ऑटो वाले को अपनी मर्जी से चलते हैं, फिर ये आगे ऑटो वाले वो भी अपनी मर्जी से चलेंगे, उसकी वजह टाइम और पैसा दोनों खराब हो रहे हैं। बलकारी राम। क्या दिक्कत आ रही है जो सरकार ने बैरिकेड्स लगाए हैं? दिक्कत तो है ये जी, 10 रुपये में वहाँ जाना था, अब 20 तक यहाँ है, आगे फिर 20 लेगा।
फालतू किराया भी वसूली हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, परेशान हो रहे हैं लेडीज परेशान। कुलदीप, जो आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? पटियाला से आए हैं, नंदगढ़ जाना है। पहले पटियाला सीधा चीका पहुँचते थे? हाँ जी, पहले सीधा चीका पहुँचते थे। हाँ जी हाँ जी। और आज क्या स्थिति है बीच में बैरिगेट्स के कारण, कहाँ उतरना पड़ा और आगे ऑटो में से आगे कैसे आए? नवे गाँव उतरना पड़ा, अभी घर के पास उतरे हैं, आगे फिर ऑटो लेंगे। ऑटो वाले ने एक्स्ट्रा भी पैसा लिया? हाँ, 20 रुपये लिए, वैसे 5 रुपये लगते हैं। अच्छा, और आगे फिर ऑटो में जाना पड़ेगा? हाँ जी। सत श्री अकाल जी, कीनो है थोड़ा? मेरा नाम सुखदेव सिंह। कितों आए? समाणे तो। समाणे तो कितों जाना जी? असी जाना पेवे जी। तो जी, किसान आंदोलन के कारण सरकार जो एहतियातन कदम उठा रखे हैं, इससे कितनी परेशानी है लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। तो सरकार कहाँ रोका गया आपको? सरकार को समझौता करना चाहिए इन्होंने, किसानों के साथ। किसानों के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रशासन ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं? जैसे आपको दिख रहा है कि बैरिकेडिंग का प्रोसेस तो शुरू हो गई है, ये बस एक एक लेयर करके हम और भी आगे लगाएंगे ताकि एंट्री जितना मुश्किल हो सकता है उतना हो। बाकी क्या एक्सपेक्टेड सिचुएशन है वो तो आगे जाके पता चलेगा। मैडम, पैथल डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब बॉर्डर है, किन किन जगहों पर ये बैरिकेड्स नाके लगाए गए हैं? टोटली देयर आर 15 नाकास, बट सारे को उतना ही मुख्य नहीं देते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस है। इसके अलावा 14 जगह पे लग रही है, इंक्लूडिंग सम इन कैथल एंड मोस्टली गुलाचिका में ही है। मैम, सभी जगह इन नाकों को बंद कर दिया गया है, अभी कुछ आवाजाही के लिए खोला गया है कहीं बाकी जो कुछ कम महत्वपूर्ण इलाके हैं? डेफिनेटली सारे फुल ट्रैफिक अभी तक तो बंद नहीं हुई है। जैसे मैंने बोला है कि डिफरेंट नाकास का डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है, एंड उस हिसाब से जितना कम डिस्कम्फर्ट हम पहुंचा सकते हैं लोगों को उतना कम हम कर रहे हैं, और आगे जाते ही हम स्ट्रेंथन करेंगे ये सारे। मैडम, जैसे कैथल में महत्वपूर्ण दो मेन रोड हैं, एक तो ये कैथल पटियाला मार्ग है और दूसरा कैथल खनोरी मार्ग है, खनोरी मार्ग पर क्या क्या व्यवस्थाएं? वो मैं अभी चेक करके उसके बाद आपको बैठते हैं। दूसरा मैम, यहाँ एक परेशानी है लोगों को, जैसे वहाँ नया गांव पंजाब से लोग वहाँ उतरते हैं ऑटो में, यहाँ तक आते हैं और फिर इसको पैदल आगे क्रॉस करते हैं ऑटो में वहाँ जाते हैं, एक तो उनको वसूली ज़्यादा हो रही है किराए की, वो लोग कहते हैं कि टाइम तो चलो बैरिगेड्स के कारण लग रहा है और किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है। इधर से जैसे ये डिस्कम्फर्ट मैंने बोला भी ये टेम्पररी है, एंड जैसे पुलिस वाले भी बोल रहे हैं आपको कि जितना हो सकती है पब्लिक को असुविधाएं को कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।